नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक होली के जश्न की शुरुआत हो चुकी है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना में होली एक सप्ताह पहले से ही शुरू हो जाती है और यहां होली के जश्न की रौनक देखने ही बनती है। बता दें कि मथुरा में फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन लठमार होली खेली जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कब और कैसे लठमार होली खेलने की शुरुआत हुई? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मथुरा में शुरू हुआ होली का जश्न, बरसाना में खेली गई लठमार होली, दुनिया भर में प्रसिद्ध है लठमार होली, दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं बरसाना। रंगों का त्योहार होली इस बार 29 मार्च को मनाया जाएगी। देश भर में होली का त्योहार होलिका दहन के अगले दिन मनाया जाता है, लेकिन मथुरा में होली की शुरुआत एक सप्ताह पहले ही हो जाती है। इसका प्रारंभ फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को लड्डू होली से होता है। इसके अगले दिन यानी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को लठमार होली खेली जाती है। नंदगांव के लठमार होली खेलने के लिए बरसाना की होरियारियों के पास आते हैं। बरसाना की लठमार होली दुनिया भर में लोकप्रिय है। भैया कैसा लग रहा है इस समय? बहुत आनंद आ रहा है। क्या खेली जाती है ये होली? अरे ये त्योहार है। आप लोग कैसे बता रहे हैं इन लठों को, क्या कहानी है इसकी? ठाकुर जी बता रहे हैं। कैसे लठमार होली की शुरुआत हुई? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जब होली के समय राधा जी के गांव बरसाना आए थे, तब उन्होंने होली खेलते वक्त राधा जी और उनकी सहेलियों को छोड़ दिया था। तब उनको सबक सिखाने के लिए राधा जी और उनकी सखियां लठ और छड़ी लेकर उनके पीछे पड़ गई थी। उसके बाद से ही बरसाना में लठमार होली की परंपरा शुरू हो गयी। लठमार होली खेलने से कान्हा के सखा के रूप में आए नंदगांव के खुरियारे यहां पीली पोखर पराकर स्नान करते हैं और अपने सर पर पगड़ी बांधकर बरसाने की खुरियारिनों को होली के लिए आमंत्रित करते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण बरसाना होली खेलने आए थे तो बरसाने वालों ने उन्हें इसी स्थान पर विश्राम कराया था और उनकी सेवा भी की थी। तब से लेकर आज तक बरसाना की लठमार होली से पहले इसके स्थान पर नंदगांव से आने वाले खुरियारे यहाँ आकर परंपराओं का निर्वहन करते चले आ रहे हैं। होली में लगा बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं। कैसे खेली जा रही है होली? होली लगातार खेली जाएगी। नंदगांव में आएंगे फिर हम उनको लाठी बरसाएंगे। आप तो लाठियां बरसा रही हैं, कैसे बरसा रही हैं उनको? लाठियां बरसाएंगे, बहुत अच्छा लगता है लाठियां बरसाते हैं जब। कितने दिन पहले से तैयारी करते हैं आप लोग इसकी? एक महीने पहले से। कैसे तैयारी होती है लठमार होली की? बहुत अच्छे से होती है, काफी की तैयारी करते हैं लठ चलाने के लिए। अब आप जो लठ चला रहे हैं किस तरह से, कैसा आनंद यहाँ देखने को? बहुत अच्छा आनंद आएगा, बहुत टाइम से आता है। जो नंदगांव के होरियारे हैं उनको कैसे मार रहे हैं आप लोग? उनको लठ से मारते हैं, वो तैयार होके आते हैं तो ढाल लेके आते हैं फिर हम उनको लठ बरसाते हैं। कितनी बार होली खेल चुके हैं लठ होली? हमें करीबन 24 साल हो गए। होली के गीत गाते ये लोग हैं नंदगांव के कृष्ण रूपी खुरियारे जो कि बरसाना में राधा रूपी गोपियों के साथ होली खेलने आए हैं। हजारों बरसों से चली आ रही इस परंपरा के तहत नंदगांव के हुरियारे पीली पोखर पर आते हैं और जहां उनका स्वागत बरसाना के लोग ठंडाई और भांग से करते हैं। यहां से ये हुरियारे पहुंचते हैं रंगीली गली जहां ये बरसाना की हुरियारिनों को होली के गीत गाकर रिझाते हैं। होली के गीत के बाद होता है नाच गाना और फिर खेली जाती है लठमार होली जिसमें बरसाना की हुरियारिन नंदगांव के हुरियारों पर करती हैं लाठियों से बरसात। इसका बचाव नंदगांव के हुरियारे अपने साथ लाई ढाल से करते हैं। इस होली को खेलने के लिए नंदगांव से बूढ़े जवान और बच्चे भी आते हैं और राधा कृष्ण के प्रेम रूपी भाव से खेलते हैं। बरसाना के इस अनोखी लठमार होली को देखने के लिए श्रद्धालु देश के कोने कोने से आते हैं और राधा और कृष्ण की प्रेम स्वरूप होली को देखकर आनंदित हो उठते हैं और इस होली का जमकर लुत्फ भी उठाते हैं।
देखिए बरसाना की लठमार होली और नंदगांव की लठमार होली का शुभ आयोजन, आज बरसाना का लठमार होली का दिवस है। तो बरसाना नंदगांव लठमार होली में आपको बताना चाहूँगा कि इस बार प्रांतिकृत मेले के रूप में दर्ज हुई है। पहली बार राज्य सरकार के द्वारा इसमें बजट का भी आवंटन किया गया है और इस आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सभी विभाग जी जोर से लगे हैं। राधा रानी जी का आशीर्वाद सभी को मिले और यहाँ आए हुए दर्शनार्थी श्रद्धालु संतुष्ट होकर और प्रसन्न होकर यहाँ से जाएं, ऐसा हम सभी लोगों का प्रयास है। ब्रज में 40 दिन तक चलने वाले इस होली में जब तक बरसाना के होरियारे नंदगांव के होरियारों पर लाठियों से होली नहीं खेलती तब तक होली का आनंद नहीं आता, क्योंकि कहा जाता है कि इस होली को देखने के लिए स्वयं देवता भी आते हैं। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए मथुरा से सुरेश सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।